तो अब तक आपने पढ़ लिया था, मात्रक बना लिए थे, हमने विमा बना ली थी, अब हम आज इसके क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपने अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया होगा। बिना होमवर्क के कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि ऑनलाइन क्लासेस मान के मत चलिए इनको, ऑफलाइन क्लासेस ही मान के आपको चलना है। यदि आप ऐसे सोचेंगे कि टीचर हमको नहीं देख रहा, तो फिर यह वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं है। आप इस वीडियो को बंद करके किताब कॉपी रख दो, कोई मतलब नहीं है। इस चैनल पर तो सिर्फ उन्हीं बच्चों की रिक्वायरमेंट है जो पढ़ना चाहते हैं। यदि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, उससे अच्छा अपना गेम खेलो आप, ठीक है। तो यदि आपको पढ़ना है तो आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। यदि होमवर्क नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, फिर वीडियो देखने का क्या मतलब है? अपना कीमती समय क्यों बर्बाद किया जाए, ठीक है। तो यदि पढ़ना है तभी ये वीडियो देखनी है, और यदि नहीं पढ़ना है, पढ़ाई में अच्छे तरीके से आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो उस टाइम पे पढ़ाई को बंद करके आप अपना जो भी काम है वो कीजिए। पढ़ाई तभी करनी है हमको जब अपना पूरा 100% माइंड सेट हो कि अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तभी वो हमारा जो नॉलेज है वो आपके काम आएगी, अदरवाइज आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। तो हम पहले अनुप्रयोग की बात करते हैं। सूत्र की जांच करना, किस टाइप से सूत्र की जांच होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला मैं ले लेती हूं b बराबर यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला सही है, आप लोग जानते हो, इसे प्रूफ करते हैं। यहाँ b क्या है? अंतिम वेग। ये भी जानना जरूरी है क्योंकि b से वेग बनता है, तो b से आयतन भी बनता है। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। t क्या है? समय, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये हो जाने के बाद LHS की। क्या है LHS? v। अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, वेग वेग की विमा क्या होती है? LT माइनस वन। RHS की बात करते हैं, u प्लस at। u क्या है? प्रारंभिक वेग। विमा क्या होती है? LT माइनस वन। प्लस त्वरण की LT माइनस टू। समय की t। फिर LT माइनस वन प्लस एल को तो ऐसे कैसे टी माइनस टू और इसमें प्लस वन, तो एल टी माइनस टू प्लस वन। एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। अब वेग में वेग को जोड़ोगे तो वेग ही आएगा। इसको आप इस टाइप से नहीं लिखोगे, गलत है ये। जब भी ऐसा आए, चाहे बीच में प्लस का निशान हो चाहे माइनस का निशान हो, उसे बस आप एक बार ही लिख देंगे। तो बताइए LHS बराबर RHS hence proved, ये फॉर्मूला क्या है? सही है। आगे आपको करना, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो, यदि स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, आज तो आपको होमवर्क भी मिलेगा इन चीजों का। सेकंड, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी आप जानते हो, फॉर्मूला सही है। एस क्या है यहाँ पर? दूरी। क्या होती है इसकी विमा? एल। यू क्या है? प्रारंभिक वेग है। इसकी विमा क्या है? एल टी माइनस वन। टी क्या हो गया? समय। इसकी विमा क्या है? टी। ए क्या है? त्वरण। इसकी विमा क्या है? एल टी माइनस टू। और ये टी तो हमने एक बार लिख ही दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका LHS। LHS में क्या है? S। इसकी विमा क्या है? ओनली L। बात करते हैं RHS की, UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
एक दो तीन चार, 1/2, 1/4 देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। सबसे पहले यू एल टी माइनस वन, टी के लिए टी आ गया प्लस, 1/2 को हम नहीं लिखते हैं, कोई भी नियतांक का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पावर्स का मतलब है यहाँ पर। त्वरण के लिए एल टी माइनस टू, समय के लिए टी टू, स्क्वायर लग रहा है तो वहां पर भी टू लिख दिया हमने। टी माइनस वन, टी प्लस वन, क्या बचा यहाँ पर, ओनली एल प्लस टी माइनस टू, टी प्लस टू, तो यहाँ पर भी क्या बचा, सिर्फ एल। इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी एल, तो क्या हुआ, एल एच एस बराबर आर एच एस। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी हमको, ठीक है। थर्ड की हम यदि बात करें, कोई भी हम फॉर्मूला ले लेते हैं, बनाते हैं, एक्स क्या है, दूरी एल, ए क्या है, त्वरण एल टी माइनस टू, टी क्या है, समय टी है इसकी विमा। एल एच एस पार्ट लेते हैं हम इसका, एल एच एस पार्ट क्या है, एक्स, इसकी विमा क्या होगी, एल, ठीक है। फिर हम आर एच एस पार्ट ले लेते हैं, आर एच एस पार्ट क्या है, ए टी, ए की क्या है, एल टी माइनस टू, और समय की क्या है, टी एल टी माइनस वन, क्योंकि माइनस टू प्लस वन माइनस वन रहा। एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। यदि इसके और भी टाइप्स आप देखना चाहते हैं तो मैंने फाउंडेशन क्लासेस की वीडियो के अंदर ये पूरा टॉपिक अच्छे से डाल रखा है, आप उन वीडियोस को जाके देखना, आपको मजा आ जाएगा उन वीडियोस को देखने के बाद, इनको करने के बाद। बट यदि उससे पहले यहां तक आपको आना चाहिए, उसके बाद उन वीडियोस को देखना आप, ठीक है। अब मैं इसके लिए आपको बहुत सारा वर्क दे देती हूँ, और यदि और भी क्वेश्चंस कराने हो तो आप मुझे बता देना कि इनको किस टाइप से करना है, ठीक है। और मैं यदि आपकी बुक में से बता देती हूँ, और कोई एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक्स का, ठीक है। बुक्स में से मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको, बुक के अंदर आपको दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, v बराबर यू प्लस ए टी दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको, सॉरी ये नहीं दिया हुआ, ये है क्वेश्चन। इसके अंदर आपको ए और बी फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी। तो एल एच एस बराबर आर एच एस करके ही निकालेंगे कि जो ये अलग अलग जुड़ी हुई है, तो वी ये भी ए के बराबर होना चाहिए और ये भी ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो ना, वेग में वेग को जोड़ते हैं तभी वेग हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो मतलब इसकी जो विमा होगी वो भी वेग के बराबर होनी चाहिए, इसकी विमा भी वेग के बराबर होनी चाहिए। तो आइए हम इसको करते हैं, एल एच एस वेग, वेग का क्या है, एल टी माइनस वन। मैंने आपको क्या कहा था, ये वाला वी भी ए के बराबर होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। वी क्या है, एल टी माइनस वन ए, तो ए का तो आ गया एल टी माइनस वन, ठीक है। अगले की हम बात करते हैं, वी बराबर बी टी, बी क्या है, एल टी माइनस वन, बी ये क्या है, टी, तो एल टी माइनस वन अपॉन टी बराबर बी, बी क्या हो गया, एल टी माइनस टू। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, कर सकते हो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, f बराबर a प्लस bx,
एफ क्या है इसमें, बल दे रखा है, एक्स दूरी है, ए और बी इसमें नियतांक है। सेम फॉर्मेट, एफ ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इनकी विमा लिख लेते हैं, एम वन एल वन टी माइनस टू, तो बल की है, दूरी की क्या है एल है। आप सबसे पहले क्या करोगे, एफ बराबर ए, एफ की क्या है एम वन एल वन टी माइनस टू बराबर ए, हो गई कंप्लीट। अब हम दूसरे की बात करते हैं, एफ बराबर बी एक्स, एम वन एल वन टी माइनस टू बी, और दूरी का क्या होगा एल, तो बी बराबर क्या हुआ एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एल वन, तो एल वन से तो एल वन कट गया, क्या बचा एम वन टी माइनस टू। बताइए कोई समस्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी बराबर आर टी। यहां पर P क्या दे रखा है इन्होंने, दाब, V आयतन, और आपसे E एंड B के लिए पूछ रहे हैं। T यहां पर ताप दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अब हम सबसे पहले दाब की विमा बनाते हैं। दाब का क्या था, बल बटे क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला होता है। बल की क्या होती है एम वन एल वन टी माइनस टू, क्षेत्रफल की क्या होती है एल टू, तो इसके लिए क्या बनी एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। आयतन की विमा क्या हुई एल थ्री, याद रहेगी ये बल की ये आयतन, इसको उतार लीजिए फिर मैं मिटाऊंगी इसको, ठीक है। देखिए ये पूरा ग्रुप इस ग्रुप के बराबर होना चाहिए, ये पूरा ग्रुप इस ग्रुप के बराबर होना चाहिए, तो P बराबर A अपॉन V स्क्वायर। P की विमा M1 L माइनस वन टी माइनस टू बराबर ए, हमें नहीं पता V की क्या है L3, और इसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो गया M1 L माइनस वन टी माइनस टू बराबर A अपॉन L की पावर सिक्स, ए को इधर रखिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू एल सिक्स, ठीक है। तो ये हो गया एम वन एल फाइव टी माइनस टू। कुछ बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि मैम जो ट्वेल्थ क्लास और जो अपने जो फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी ट्वेल्थ क्लास के लिए, फाउंडेशन के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए यूपीएससी आरपीएससी के लिए, वो क्या बंद हो गई है क्या? वो बिल्कुल बंद नहीं हुई है, लेकिन उन वीडियोस के ऊपर मैं चाहती हूँ उन वीडियोस को पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियोस पहुँचे, जब उनका वो कोर्स कवर हो जाएगा तब मैं आगे स्टार्ट करूँ। इससे पहले मैं इलेवेंथ क्लास के कुछ चैप्टर्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। वो वीडियोज़ ये मान लीजिए जुलाई से कंटिन्यू हो जाएंगे वो वीडियोज़, लेकिन उससे पहले आप उनको पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वीक में कम से कम दो दिन हर क्लास के लिए मिलेंगे, आधा घंटे की एक वीडियो हुआ करेगी जो वीक में कम से कम दो दिन हर क्लास के लिए डलेगी जुलाई के बाद, ठीक है। तो जब तक आप इलेवन फोकस कीजिए। देखिए ये कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट है बी बराबर बी, तो बी तो लिख दो, और ये आयतन भी क्या हो गई एल,
कंप्लीट। बताइए कोई समस्या हो तो, किसी भी प्रकार की। इसको मिटाते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। नए क्वेश्चंस, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7th दिया हुआ है। इसकी जांच करनी है सूत्र की, तो करेंगे हम। सबसे पहले m क्या है? द्रव्यमान। इसकी विमा क्या है? m। v क्या है? वे। इसकी विमा क्या है? LT-1। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इसकी विमा भी क्या होगी? LT-2। h क्या है? ऊंचाई, मतलब कोई लेंथ। इसकी विमा क्या होगी? l। ठीक है, तो देखिए LHS हाफ एम डी। हाफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। द्रव्यमान का m, वेग का LT-1, MLT-1, RHS, MGH। तो द्रव्यमान का m, गुरुत्वीय त्वरण का LT-2, ऊंचाई का हो गया L, तो MLT-2। LHS is not equal to RHS। ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तो आज आपको एक ही एप्लीकेशन के ऊपर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, और ये आपकी बुक में भी है, क्वेश्चंस तो करवा दिए हैं। और देख लेते हैं यदि हमें और कोई क्वेश्चन मिल जाता है अच्छा सा। यही क्वेश्चंस है। ठीक है, अब कुछ होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, उनको आप होमवर्क करके लेके आइए घर से। ठीक है, होमवर्क करना है अपने को। होमवर्क के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको हाफ एम बी स्क्वायर जी एच, जांच करनी है ये सही है या गलत। ठीक है, यहाँ ट्रू और फॉल्स। इसका भी ट्रू और फॉल्स देखना है अपने को। ट्रू और फॉल्स, कंफ्यूज मत होना। गुरुत्वीय त्वरण जो ए की विमा होगी वही जी की होगी। जब हम LT-1 प्लस LT-1 करते तब LT-1 आता है, तो जब LT-1 माइनस LT-1 करेंगे तब भी LT-1 ही आएगा। प्लस और माइनस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं इनका आंसर अभी आपको बता देती हूँ। ये तो गलत है, ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, जब आप करोगे तो आप पता कर लेना कि क्या हमने सही किया या गलत किया, ये इसके आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th है जो आपको दिया जा रहा है। ऐसा ही पद्धति में प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यह आपको नोट्स में करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी स्कूल से हो, चाहे कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो, ये क्वेश्चन आपके 11th क्लास के अंदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। तो यदि आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो चांसेस है 100% स्कोर करने के। मैं कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ कि आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़े, चाहे आपको कोई भी टीचर पढ़ाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, दो विमाहीन राशियों के नाम लिखिए। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप होमवर्क कहां से कर रहे हो, गूगल करके कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए किसी भी कंडीशन पे, रोज आपको होमवर्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, चलिए अभी रहने दीजिए, 8 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कीजिए, अभी तो आगे और वीडियो बनेगी तो हम और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अच्छे से आप पढ़िए, कोई भी समस्या हो आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।